हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर से बाहर देखी जा रही है और घरों में भी बर्फ जम रही है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक हर जगह पर्यटकों का जमघट लगा हुआ है, जिसका लुत्फ बच्चों से लेकर बड़े सभी उठा रहे हैं। कश्मीर के श्रीनगर में मंगलवार को सर्दी के मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई, जबकि घाटी के ऊंचे इलाकों में पिछली 48 घंटों में भारी बर्फबारी हुई। गुलमर्ग में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है और लोग स्कीइंग का लुत्फ उठा रहे हैं। श्रीनगर में एक अधिकारी ने बताया कि मंगलौर के गुलमर्ग, सोनमार्ग, शोपिया, गुरेज, माछिल और घाटी के अन्य पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। बारामूला जिले में स्कीइंग रिजॉर्ट गुलमर्ग में पिछले 48 घंटों से लगभग 2.5 फुट ताज़ा बर्फबारी हुई और इसी स्थान पर आज से चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की मेज़बानी होनी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के पांगी में 90 सीमा बर्फबारी हुई, जबकि छितकुल और जलौरी जोत में 45 सेंटीमीटर, कुकुम सैरी में 44 सेंटीमीटर और गोदला में 39 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। बर्फबारी ने हर किसी का मन खुश कर दिया। बाहरी राज्यों से घूमने आए हुए पर्यटकों की शिमला में बर्फ देखने की ख्वाहिश पूरी हुई और जमकर जश्न मनाए। बर्फबारी का मजा लेने के लिए पर्यटक दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और गुजरात राज्यों से हिमाचल की अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। वहीं इस बर्फबारी से उन किसानों को भी राहत मिल रही है जो कि काफ़ी समय से खुश्क सर्दी से जूझ रहे थे। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद पर्यटक काफ़ी उत्साहित हैं। यहाँ लोग बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटकों का कहना है उन्होंने पहली बार इतनी बर्फ देखी है, जिसे देखकर मन को खुशी मिल रही है।